नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, प्रिंसिपल डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स दिल्ली। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत बड़े एडवांस की इन किडनी ट्रांसप्लांट, नेमली आर्टिफिशियल किडनी। जी हाँ, आर्टिफिशियल किडनी का सक्सेसफुल डेवलपमेंट हो गया है और ये अब पेशेंट्स में लगाई जा चुकी है और ये सक्सेसफुली काम कर रही है। तो ये आर्टिफिशियल किडनी क्या है, कब तक आएगी, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। पहला तो ये कि सीकेडी स्टेज 5 की केवल दो ही ट्रीटमेंट्स हैं, आपको बता चुका हूं पहले, एक डायलिसिस और दूसरा किडनी ट्रांसप्लांट। अगर हमें किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है तो हमें एक ऑर्गन डोनर चाहिए होता है, जो या तो आपके परिवार से होना चाहिए या फिर एक कैडेवरिक ऑर्गन डोनेशन होना चाहिए, जो कि इंडिया में अभी बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है। अभी तक केवल यही दो विकल्प थे, लेकिन अब मैस जनरल हॉस्पिटल में साइंटिस्ट ने एक चमत्कार करके दिखाया है। क्या चमत्कार है? इसमें जो पिग्स की जो किडनी है उसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से उसमें जो ऐसे जीन्स होते हैं जो, तो ये क्रिस्पर टेक्नोलॉजी क्या होती है? क्रिस्पर टेक्नोलॉजी एक नई टेक्नोलॉजी है जो साइंस में बहुत वाइडली यूज हो रही है। ये कोविड वैक्सीन में भी यूज हुई थी, लेकिन अब इसको किडनी ट्रांसप्लांटेशन में भी यूज किया गया है। तो ये जो पिग्स की किडनीज हैं, इसमें कई ऐसे जीन्स होते हैं जो अगर आपकी बॉडी में वो किडनी लगाई जाए तो रिजेक्शन ट्रिगर करती है, यानी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती। तो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से वो जीन्स निकाले गए, उस किडनी को जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया और अब पहली बार एक 63-year-old अमेरिकन मैन को ये किडनी लगाई गई और वो सक्सेसफुली काम कर रही थी और वो अब घर भी जा चुका है डिस्चार्ज होके विद नॉर्मल किडनी फंक्शन। तो आजकल जो ये ऑर्गन शॉर्टेज है उसमें ये एक बहुत बड़ा एडवांस है, क्योंकि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है अबाउट दिस नंबर ऑफ ऑर्गन्स, यानी ये ऑर्गन्स जो पिक के हैं ये हम बहुत सारे हार्वेस्ट कर सकते हैं, इनको जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं, लिमिटेशन नहीं है। और आने वाले सालों में मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टेक्नोलॉजी मास प्रोडक्शन के लिए रेडी है और ये अमेरिका में ही नहीं वर्ल्ड के सारे कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया में आएगी। हाँ, टाइम फ्रेम जरूर एक क्वेश्चनेबल रह सकता है, जो अभी आंकड़े हमें मौजूद हो रहे हैं 2 से 5 साल लग सकते हैं, लेकिन दिस इज अ न्यू होप फॉर किडनी पेशेंट्स, स्टेज 5 किडनी डिजीज। सो डोंट गेट डिसहार्टेंड, देयर इज न्यू ट्रीटमेंट दैट इज कमिंग। थैंक यू।